पीटी का स्कोर कार्ड चेक किया क्या? और यदि कर लिया है तो मन में ये दुविधा आई होगी कि सर एब्सोल्यूट स्कोर, नॉर्मलाइज्ड स्कोर और जो परसेंटाइल स्कोर है, इसमें डिफरेंस क्या है? कितना परसेंटाइल स्कोर आगे आने वाली यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू राज्य सरकार की वैकेंसी के लिए, चाहे वो लेखपाल की हो, स्वास्थ्य कार्यकर्ता की हो या जूनियर असिस्टेंट की हो, इनके लिए सेफ होगा? यानी कि आपको मेंस अर्थात इनकी परीक्षाएं देने को मिलेंगी। और जी हाँ, अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही मैं बना रहा हूँ। और पूरा वीडियो को देखिएगा तो जितनी भी दुविधाएं आपकी सारी खत्म हो जाएंगी। मैं अनुराग दीक्षित एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ पाठशाला रेलवे एग्जाम में। उम्मीद है मेरी आवाज आप सभी तक बुलंद तरीके से पहुंच रही होगी। तो कुछ जानकारी, कुछ डेटा के साथ मैं यहाँ पर आया हूँ और उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि परसेंटाइल क्या होता है, क्या एक प्रॉपर मीनिंग क्या है परसेंटाइल का, किस आधार पर यह परसेंटाइल बोला जाता है? अभी तक तो सर हम लोग परसेंटेज सुन रहे थे। कितना परसेंटाइल लेखपाल की परीक्षा देने के लिए सेफ होगा, कितना परसेंटाइल स्वास्थ्य कार्यकर्ता की वैकेंसी की परीक्षा देने के लिए सेफ होगा, इन सारी चीजों के समाधान के साथ मैं यहां पर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो कुछ चीजों के लिए मैं आपको कुछ डेटा भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले कुछ चीजें बता देता हूं कि पीटी की जो परीक्षा हुई, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन टेस्ट की जो परीक्षा हुई है, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो लगभग लगभग ये मान के चलिए, इसकी परीक्षा को यूपी ट्रिपल एससी कंडक्ट कराता है। यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा ये परीक्षा कराई गई थी। ये मात्र एक एलिजिबिलिटी टेस्ट था, आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है? तो ये सारा डेटा मैंने इकट्ठा किया है। कुछ बातें यहाँ पर आपको बताते हैं कि लगभग लगभग 20 लाख लोगों ने आवेदन किया था इस परीक्षा के लिए। इस बात से आप सभी लोग भली भांति परिचित हो। अच्छा, इस 20 लाख लोगों के आवेदन के बाद इसमें से कुछ बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट भी हुए थे। रिजेक्शन किस आधार पर हुआ था, फॉर्म किस आधार पर रिजेक्ट हुए थे, जो सिग्नेचर की बात थी, जहां पर सिग्नेचर होने थे, सिग्नेचर में क्या था कि आपको अपने सिग्नेचर तो करने थे, लेकिन वो सिग्नेचर आपके पूरे नाम को प्रदर्शित करते रहने चाहिए, इस आधार पर सिग्नेचर था। तो जिन बच्चों ने सिग्नेचर किए लेकिन उनका अपने सिग्नेचर में पूरा नाम व्यवस्थित नहीं था, उस आधार पर उनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ। और लगभग आप ही मान के चलिए कि 1.5 लाख प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के फॉर्म को रिजेक्ट किया गया। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं, कुछ चीजें हैं, बहुत गजब का डेटा है, आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ध्यान से समझना। आपकी एक एक दुविधाएं जो है मन में, विश्वास करो, सारी दूर होंगी। देखिए, 20 लाख आवेदन फॉर्म पड़े, इसमें से कुछ रिजेक्ट हुए, और आप ये मान के चलते हैं पेपर के आधार पर अगर बात की जाए तो 80% विद्यार्थी ही परीक्षा देने के लिए वहां पर अपने परीक्षा हॉल में पहुंचे थे। यानी कि जो परीक्षा दी है, कितने बच्चों ने दी, लगभग 80% विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। तो 20 लाख का अगर 80% निकाला जाए तो ये लगभग 16 लाख हो जाएगा। ये जो डाटा है अमूमन बिल्कुल सेम है, लगभग 16 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षाएं दी, इसमें से ये रिजेक्ट हो गए। सर बाकी के कहां, इस 16 लाख में और 20 लाख में तो अगर 1.5 लाख लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हुआ, बाकी लोग परीक्षा देने ही नहीं गए। अब जरा समझना, आयोग ने नोटिस जब निकाला था तो उसने ये कहा था, समझना, आयोग ने नोटिस जब निकाला था तो उसने कहा था कि मेंस परीक्षा के लिए जिस भी पद की जितनी वैकेंसी आएगी, सपोज जैसे लेखपाल की बात की जाए तो लेखपाल की वैकेंसी लगभग 7,882 वैकेंसी अनाउंस थी, ठीक। ऐसे ही अगर स्वास्थ्य कार्यकर्ता की बात की जाए तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता की लगभग 9,100 वैकेंसी, 9,108 या 118 कुछ वैकेंसी थी। और अगर ऐसे ही जूनियर असिस्टेंट की बात की जाए तो लगभग ये 2,000 वैकेंसी के आसपास थी, इनकी वैकेंसी अनाउंस की गई। अब मन में दुविधा क्या है कि सर क्या इस लेखपाल की परीक्षा की जो वैकेंसी है इसमें हम एलिजिबल हो पाएंगे? तो गवर्नमेंट का ये जो हिसाब किताब है, इसी बात के लिए ये वीडियो है, ध्यान से सुनिएगा क्या है। अच्छा, अब अगर 16 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षाएं दी, 16 लाख विद्यार्थी ने परीक्षा दी, समझिएगा बहुत ध्यान से डेटा को। अब मैं बात करने जा रहा हूं कि इसी से कनेक्टिविटी बनती है परसेंटाइल की। क्या है परसेंटाइल की कनेक्टिविटी, उसको जरा ध्यान से समझना कि ये परसेंटाइल का एक्चुअल मीन क्या है, इसका तात्पर्य क्या है। अब समझिएगा इसका तात्पर्य क्या है। सबसे पहले आपको ये तो पता होगा कि पीईटी की परीक्षाएं दो शिफ्ट में हुई थी, तो मैं दोनों शिफ्ट के अपने कुछ विद्यार्थी हैं
उनके एडमिट कार्ड वो स्कोर कार्ड आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे कि मेरा विद्यार्थी अवगत कुमार है, इनका जो है इनका सेकंड शिफ्ट में पेपर पड़ा था और इनका जो वास्तविक स्कोर है, एब्सोल्यूट स्कोर है, वो स्कोर है 83। नॉर्मलाइजेशन के बाद इनके नंबर थोड़े से कम हुए, 82.90 हुए, लेनी कि 0.10 नंबर कम हुए। ये नॉर्मलाइजेशन स्कोर कैसे सेट हुआ, ये नंबर कम क्यों हुए, किसी शिफ्ट में नंबर बढ़े कैसे, भी मैं बताता हूं। और उसके बाद अगर इनका परसेंटाइल देखा जाए तो इनका परसेंटाइल है 99.52 परसेंटाइल, राइट। यही एक और विद्यार्थी थे हमारे, इनका नाम है प्रकाश। इनकी जरा ध्यान से समझिएगा, इनका वास्तविक स्कोर, एब्सोल्यूट स्कोर था 55.75। ये काफी दिनों से, हालांकि ये गवर्नमेंट जॉब में भी हैं, HPCL में हैं, और काफी दिनों से जो है परीक्षा से दूर हैं, लेकिन उसके बावजूद इनका स्कोर अच्छा रहा और नॉर्मलाइजेशन के बाद इनका स्कोर हो गया भाई 57.57 और परसेंटाइल क्या बना, बोले सर परसेंटाइल बना 79.24। अब जरा बेसिक मतलब समझना क्यों ऐसा हुआ, इस बात को मैं आपको समझाने जा रहा हूं, गौर करना। जो पीईटी की परीक्षा जो दो शिफ्ट में हुई थी, मेरे भाई बहुत ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, ये दोनों शिफ्ट मैंने आपको दिखाई, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट, ठीक। तो प्रकाश का फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था, अवगत का सेकंड शिफ्ट में पेपर था। सेकंड शिफ्ट का पेपर थोड़ा सा टफ आया था, सेकंड शिफ्ट का पेपर, एक मिनट, प्रकाश का जो नॉर्मलाइजेशन के बाद इनके नंबर बढ़े थे तो ये था, इनका जो पेपर था इनका टफ पेपर था थोड़ा सा, कंपैरिजन देन सेकंड शिफ्ट, और इसका पेपर इजी था। अब नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर घटते बढ़ते कैसे हैं ये समझिएगा। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है चीजों को इक्वेट करना, बराबर करना। अब एक अगर सरल पेपर आ रहा है और एक पेपर कठिन आ रहा है, हार्ड आ रहा है, तो दोनों को जब नॉर्मल किया जाता है, बराबर किया जाता है, तो वो कहलाता है नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। समझिएगा ध्यान से, इनका जिनका पेपर टफ था इनके नॉर्मलाइज जो स्कोर है वो इसीलिए बढ़ा, बराबर करने के लिए। कितना बढ़ा ये एक फॉर्मूले पर डिपेंड होता है, और जिनका पेपर इजी था इनके नंबर थोड़े से कम हुए उसी फॉर्मूले के तहत, ताकि दोनों बच्चों को, दोनों शिफ्ट के बच्चों को आपस में एक समान दृष्टि से देखा जा सके, राइट। अब जरा समझना, इसके बाद ये तो बात हो गई नॉर्मलाइजेशन की। अब आपने देखा कि अवगत का जो परसेंटाइल है वो 99.52 परसेंटाइल है, जबकि इनका जो परसेंटाइल है वो लगभग 79. कुछ समथिंग परसेंटाइल है। एक्चुअल मीन क्या है परसेंटाइल का, समझिएगा, एक्चुअल मीन है ये परसेंटाइल का, कि अगर 100 बच्चों ने पेपर दिया, समझिएगा बहुत सरल भाषा में मैं आपको आज परसेंटाइल का मतलब बता दे रहा हूं। अगर 100 बच्चों ने पेपर दिया सपोज, तो ये जो प्रकाश बाबू का 79. समथिंग परसेंटाइल बना, इसका मतलब प्रकाश बाबू जो है 79 बच्चों से आगे हैं, इनका स्कोर 79 बच्चों से आगे है, 79 बच्चों से आगे है। आप ये कह सकते हो कि बचे हुए 21 बच्चे जो हैं 100 में से, मैं 100 की बात लेकर चल रहा हूं, ये उन 21 बच्चों में आ रहे हैं। अवगत की बात की जाए तो इनका स्कोर था परसेंटाइल स्कोर 99.52, अर्थात ये जितने भी पेपर दिए बच्चे हैं, यानी कि 16 लाख बच्चे, इन 16 लाख बच्चों से ये क्या है, ये 99% बच्चों से ये आगे हैं, बल्कि 99.5%, ये मतलब है इसका, ठीक। तो आपको मोटा मोटा एक अंदाजा मैं बता देता हूं कि अगर जैसे किसी बच्चे का 90% बना, कितना परसेंटाइल बना, 90%, तो इसका मतलब अगर वो 90 बच्चों से आगे है तो इसका मतलब वो 10% बच्चों में अपनी गणना कर सकता है। और 16 लाख का 10% क्या होता है भैया, 1,60,000। बहुत ध्यान से समझिएगा, 1,60,000 डेटा मैं आपको एक नॉर्मल बता रहा हूं, समझना, यानी कि 16 लाख बच्चों में से वो 1,60,000 उन बच्चों में है जो 90% या उससे ऊपर है, 90 से आगे है, 90 से 100 के बीच में है ये 1,60,000। क्लियर हो गई इतनी बात। अब जरा बात करते हैं आगे थोड़ी सी लेखपाल वगैरह की वैकेंसी के लिए। देखिए समझिएगा, लेखपाल की वैकेंसी जो थी वो लगभग 7,882 वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया गया था UP SSSC के थ्रू, जब उसका एक सर्कुलर जारी हुआ था, 7,882 वैकेंसी। और यूपीएससी ने यह कहा, समझिएगा ध्यान से, यूपीएससी ने यह कहा कि हम लगभग 15 से 18 गुना बच्चों को लेंगे। यूपीएससी का स्टेटमेंट था
ध्यान से समझना, स्टेटमेंट क्या था कि 15 से 18 गुना, 18 गुना वैकेंसी का, 15 से 18 गुना बच्चों को मेंस की परीक्षा देने को मिलेगी, बच्चों को मेंस की परीक्षा यानी कि इनकी परीक्षाएं देने को मिलेंगी जो मेंस परीक्षा में बैठेंगे। तो अगर मैं इसको 7800 ही मान के चलूं, 7800 वैकेंसी, ठीक, या पूरी पूरी 7900 मान लेता हूं, 7900, और इसका अगर 15 गुना लेकर चलते हैं तो 0 0 15 नौया 135 के 5 हासिल लगेंगे, 13 15 सत्य 105 और 13 हो जाता है कितना, 105 और 13 118। यानी आप ये देख पाओगे कि 118,500 लोग जो है मेंस की परीक्षा देंगे गवर्नमेंट के अनुसार, यूपी ट्रिपल एससी के अनुसार, कब, जब इतने गुना बच्चों को लिया जाएगा। और भैया 160,000 बच्चे वो थे, 160,000 बच्चे वो थे जो 90% से 100% के बीच में है, अर्थात अगर इतने बच्चे ही पेपर देंगे तो मोटा मोटा देखिए 50,000 बच्चे तो इसमें से भी कट गए। 50,000 बच्चे 160,000 में से अगर हम मान लेते हैं कि सपोज कर लो 55,000 बच्चों को हटा दिया गया, इनको भी परीक्षा देने को नहीं मिली, तो ये बचे कितने, 105,000 बच्चे, या 50,000 को मान लो हटा दिया गया तो 110,000 बच्चों को परीक्षा देने को मिलेगी लेखपाल की वैकेंसी के लिए, समझिएगा। तो इसका मतलब तो यहां तो 90% लाने वाला बच्चा भी चला गया, ये भी बाहर हो गया। मतलब आप अगर ये समझो कि यूपी ट्रिपल एससी के अनुसार, यूपी ट्रिपल एससी के अनुसार 90% लाने वाला जो बच्चा है वो भी इस बात के लिए एलिजिबल नहीं है, गुस्साना नहीं, वो भी इस बात के लिए एलिजिबल नहीं है कि वो परीक्षा दे सके लेखपाल की। तो भैया ये जो इनका डेटा है कि 15 से 18 गुना बच्चों को लिया जाएगा, निश्चित तौर पर या तो ये डेटा इनको बढ़ाना पड़ेगा, या तो ये डेटा इनको बढ़ाना पड़ेगा, या फिर कोई कट ऑफ मार्क्स, कट ऑफ सेट करना पड़ेगा, जैसे टीईटी में होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में, उसमें होता है कि 90 नंबर लाइए आउट ऑफ 150 आपका एलिजिबल आप माने जाएंगे सुपर टेट के लिए, ठीक है, ये वैसा हो गया। अब जरा एक चीज की जानकारी और लो, आपको बड़ा आश्चर्य होगा ये जानकर, समझिएगा, स्वास्थ्य कार्यकर्ता की अगर वैकेंसी की बात की जाए, समझना ध्यान से, बहुत ध्यान से, अगर हम स्वास्थ्य कार्यकर्ता की वैकेंसी की बात करते हैं तो लगभग लगभग 9,100 वैकेंसी मान लीजिए, थोड़ी सी ज्यादा है, 8 या 18 कुछ है, तो 9100 वैकेंसी इन्होंने रिलीज करी। अब अगर इसका हम देखें कि 15 से 18 गुना लेते हैं तो 15 से 18, देखिए विडंबना देखिएगा, समझिएगा क्या चल रहा है, आपको मैं समझाना चाह रहा हूं कि गवर्नमेंट में क्या चल रहा है। निश्चित तौर पर इनको अपने कार्यक्रम और अपना जो शेड्यूल है परीक्षा दिलाने का वो बदलना ही पड़ेगा, क्यों, इसका कारण समझना, ठीक है। अगर मैं इसका 15 गुना कर देता हूं तो 15 9 135 और 1500 और 135,000, लगभग 136,500 आ जाएगा। और स्वास्थ्य कार्यकर्ता की वैकेंसी के लिए जो एलिजिबल क्राइटेरिया था वो था एएनएम का, एएनएम का मतलब ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी स्पेलिंग देखिएगा, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी, नर्स मिडवाइफरी, ठीक है, ये था उसके लिए एलिजिबल क्राइटेरिया। तो आपको ये बताऊं कि पूरे उत्तर प्रदेश में एएनएम की इतनी सीट ही नहीं है जितना इन्होंने बच्चा लेने की बात कर दी, अगर इनके उसी उस पर चला जाए कि 15 से 18 गुना बच्चा लिए जाएंगे, तो इतनी तो सीट ही नहीं है जितने वो बच्चे लेने की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब इसमें बच्चे कम होंगे, इसमें कम लोग लिए जाएंगे, तो निश्चित तौर पर, अब अगर ऐसी बात है, अगर यही बात है कि 15 से 18 गुना बच्चे लिए जाएंगे तो सिर्फ वही बच्चे पेपर दे पाएंगे जो 95% या उससे ऊपर के होंगे। तो इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कहना चाह रहे हैं कि जिनका 60% आया या जिनका 65 आया, 70 आया, 75 आया, 80 85, यहां तक कि 90% वाला बच्चा बेकार है क्या, उसको आता नहीं है क्या? नहीं, अगर उसको नहीं आता होता तो इतने परसेंटाइल भी नहीं ला पाता। और क्या उसको अब इन परीक्षाओं को देने का मौका नहीं मिलेगा? अगर इनके इसी डेटा के आधार पर चला जाए तो क्या उसको ये परीक्षाएं देने का मौका नहीं मिलेगा? ऐसे ही जूनियर असिस्टेंट की बात करें, बहुत ध्यान से समझना, अगर मैं जूनियर असिस्टेंट के वैकेंसी की बात करता हूं, जूनियर असिस्टेंट जिसकी लगभग 2000 वैकेंसी अनाउंस थी,
तो जो 95% लाया है वही इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होगा, वही इसकी परीक्षा देगा और वही इसकी भी परीक्षा देगा। तो इसका मतलब जो ये जो बच्चे हैं जिनके 65, 70, 85, 90 तक के परसेंटाइल हैं, क्या उनको परीक्षा देने को नहीं मिलेगी? ऐसा नहीं होगा। तो इनका ये जो डेटा है ना 15 से 18 गुना वाला, ये इनको बदलना ही पड़ेगा 100%। इनको एक कट ऑफ निकालना पड़ेगा। सपोज कर लीजिए कि जनरल का कट ऑफ आउट ऑफ 100 क्वेश्चन थे 100 नंबर के, ओबीसी का मान लीजिए 45 हो गया, एससी का मान लीजिए एससी एसटी कैटेगरी का कि 40 हो गया या 38 हो गया, एसटी कैटेगरी का मान लिया 35 हो गया। ये जरूरी नहीं कि कट ऑफ यही सेट किया जाए, लेकिन एक कट ऑफ तो सेट करना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसे तो बच्चों का बहुत नुकसान हो जाएगा। और बच्चा अभी जानते हो क्या होगा, मैं आपको बता रहा हूं, लिख के ले लो। अभी ये होगा कि महीने खाण, एक डेढ़ महीने तक, कम से कम एक डेढ़ महीने तक बच्चा इसी उधा पोह में लगा रहेगा कि उसे कौन सी परीक्षा देने के लिए मिलेगी, लेखपाल की मिलेगी, जूनियर असिस्टेंट की मिलेगी, या जिसने स्वास्थ्य कार्यकर्ता वाला जिसके पास एएनएम होगा उसकी मिलेगी। जब तक कि यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा ये नहीं बताया जाएगा कि एक सेट क्या क्राइटेरिया क्या है, तो आप लोग इस विषय में बिल्कुल परेशान मत हो, ये टेंशन बिल्कुल मत लो कि हमें सर क्या मैं लेखपाल की परीक्षा देने के लिए एलिजिबल हुआ। कई बच्चों के कल से फोन आए, मैसेजेस आए कि सर मेरा 93% बन रहा है, क्या हम एलिजिबल हैं? सर मेरा 85% बन रहा है, सर मेरा 67% बन रहा है, सर मेरे रा मार्क्स रा जो है नंबर इतने हैं, सर मेरे नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर इतने हैं। तो जब ये देख रहा था मैं, तो मैंने मुझे लगा कि यार बच्चों में बड़ी परेशानी है, इनकी परेशानी, इनकी दुविधा को दूर करना बड़ा आवश्यक है, और नहीं तो फिर ये एक महीने तक तो कितना प्रेशर आ जाएगा बच्चों पर। तो मेरा सभी से ये निवेदन है कि जब तक UPSS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 
गुण में मत रहिए, आप अपनी तैयारी जैसे कर रहे थे प्लीज वैसे ही करते रहिए, ठीक है। और इसी प्रकार की जो नई अपडेट आएंगी उन अपडेट्स के लिए लेकर एक कंप्लीट डेटा के साथ मैं आपके सामने आता रहूंगा। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।